हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नया नया वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुँच सके। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सॉन ऑफ हेवन जी अभी तो साहब को डराने के लिए उसे ये कहता है कि वो कोई आम सा कल्टिवेटर नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे अपने डिजायर को कल्टिवेट करता है, इसलिए साहब को जितना जल्दी हो सके मिस रॉन्ग से दूर चले जाना चाहिए। पर जा अभी तो उल्टे यहाँ पे कह देता है कि वो अभी तो खुद एक डिजायर कल्टिवेटर है जो कि यहाँ पे जस्टिस को कल्टिवेट करता है, जहाँ पे तो जस्टिस के नाम से ही बेचारा जी यहाँ पे चौंकता हुआ सोचता है कि आखिर कोई यहाँ पे जस्टिस को भी कल्टिवेट कर सकता है। जनाबे जाओ तो अभी जी को और भी जलाने के लिए मिस रॉन्ग से कहता है। वो टेम्पल ना सच्ची में कुछ ज्यादा ही छोटा था, वैसे भी देखिए तो आपके सोने के वजह से मेरा ये दायां हाथ पूरा तरीके से सुन पड़ चुका है। जो सुनने के बाद तो सच्ची मुच्ची जी भी यहाँ पे जलकुकड़ा बन के जाओ को मारने का ठान लेता है। और यही पर जी को गुस्से में देखने के बाद दो अभी हम लोग का यंग वन आता हुआ कहता है कि अरे बड़े भैया आप इतने गुस्से में क्यों हो, वैसे भी पहले काम उसके बाद ये सब कुछ बात हम लोग बैठ के कर लेंगे ना। जो सुनने के बाद जी कह उठता है कि ठीक है तुम्हारे लिए ही हो, आज मैं इस बच्चे को जाने देता हूं। और सी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो जाता जाता जाओ अभी मिस रॉन्ग से पूछता है तो क्या आप इसी बंदे को टियांजी कह रहे थे, जिस पे तो मिस रॉन्ग कहते है कि हाँ मैं इसे टियांजी कह रहा था। जी के जैसे टियांजी लोग सेलेस्टियल सिटी में रहते हैं और वो लोग जाओ वाओ गॉड को पूजा करते हैं। सेलेस्टियल सिटी में बड़े बड़े बहुत पावरफुल 9 पीक है और हर एक पीक का एक एक अपना एम्परर भी है। और अभी तुम जिस बंदे को देख रहे हो ये जी ये भी उन्हीं एक पीक का एम्परर है। और ये सब कुछ सुनने के बाद जाओ तो अभी ये पूछ बैठते हैं क्या ये जो जाओ वाओ गॉड है ये पावरफुल है। तो मिस रॉन्ग तो कहते है कि हाँ वो पावरफुल है, जैसा की सबको पता है बायडू में 7 तारों का देवता है जो की पहले 9 हुआ करता था और इन्हीं 9 पावरफुल तारों के देवता के अंदर जाओ वाओ भी था। और ये सुनने के बाद जाओ तो चौंकता हुआ कहता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो 7 स्टार गॉड है इसके बाद दो जावा वही आता है। पर तब भी ना अचानक से जी सबको रुकाता हुआ कहता है कि कोई तो है जो यहाँ पे भागते हुए सामने से आ रहा है। तो इन्हीं लोगों के सामने पे एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है जिसके अंदर से तो अभी तक धुआं धुआं निकल रहा था और इसी बड़े से गड्ढे के अंदर से ही तो कुछ यहाँ पे जख्मी इंसान भी बाहर निकल रहे थे। और जिन्हें देखने के बाद अभी तो जाओ समझ जाता है कि ये दो सेंट वॉच टावर कॉन्टिनेंट्स है जो कॉन्टिनेंट थोड़ी देर पहले एक भगवान ने तोड़ दिया था और शायद उसी कॉन्टिनेंट का कुछ टूटा हुआ हिस्सा के यहाँ पे गिरा था जिसके वजह से ये बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। जो लोग तो यहाँ पे अपने अपने जान बचाने के लिए उसी बड़े से गड्ढे से निकल के भाग दो रहे थे। पर जिन्हें देखने के बाद दो अभी जी को लगता है कि ये लोग दुश्मन है, इसीलिए सबसे कहते हैं कि ये लोग पावरफुल है, चलो झटपट करके इन लोगों को हम लोग खत्म कर देते हैं। इसी के साथ तो जी भी यहाँ पे अपने ड्रैगन को समन कर लेते हैं जिससे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये जी तो एक ड्रैगन समन और जो ड्रैगन बाहर आते तो बेचारों का खेला ही खत्म कर देता है। जिन लोगों को ऐसे मरता हुआ देखने के बाद जाओ तो दूर से सोचता है कि ये लोग पावरफुल थे लेकिन ये जो जी है ये भी कुछ कम नहीं है। और यहीं पे तो जांग वांग को भी दिखाया जाता है जो भी तो अपने बाकी सारे बंदों से इन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। जो सब कुछ तो दूर से खड़ा खड़ा मिस रॉन्ग और हम लोग का जनाबे जाओ देख रहा था। पर तभी तो उन दोनों को ही अपने से थोड़ी दूर में एक छोटू सा मून क्रिस्टल दिख जाता है और जिस मून क्रिस्टल को उठाते तो जाओ यहाँ पे अपना एक्टिंग करता हुआ कहता है कि हाँ इस मून क्रिस्टल को देख के ना मुझे कुछ कुछ तो याद आ रहा है। इसी के साथ तो वो अपने नाटक को जारी रखते हुए क्या उठता है कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैं एक ड्रैगन डे मारूं। जब सब कुछ सुनता हुआ तो मिस रॉन्ग खुश हो रहा था पर बेचारी को जाओ के इस प्लान के बारे में क्या ही पता। तभी तो यहाँ पे अचानक से जाओ बाइकी को सामन करता हुआ क्या होता है कि ये मेरा ड्रैगन बाइकी है और ये मेरा पहला ड्रैगन और है। जो जनाब तो बाहर आते ही मिस रॉन्ग के हाथ का जो ड्रैगन क्रिस्टल था सॉरी मून क्रिस्टल था उसे टुकड़ टुकड़ घूरना स्टार्ट कर देता है। जो देने के बाद दो अभी मिस रॉन्ग भी बाइकी के क्यूटनेस में खोते हुए बाइकी को वो जो मून क्रिस्टल था वो दे देती है और जिसे अपने हाथों में पाते तो भुक्कर बाइकी उसे झटपट करके निकल जाती है। और ये हो जाने के बाद तो जाओ ऐसा शो करता है कि बाइकी के मून क्रिस्टल खाते ही तो उसका ये जो याददाश्त है ये आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रहा है। ये सुनने के बाद तो मिस रॉन्ग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है लेकिन बेचारी को तो अभी तक ये पता नहीं था कि हम लोग का जाओ भैया तो उसे यहाँ पे ठग रहा है। इसी के साथ वो लोग तो यहाँ पे एक बड़े से गुफा के सामने आते हैं जहाँ पे आने के बाद अब जांग वांग कहता है देखो तो ये बंदे लोग कैसे हम लोगों के मून क्रिस्टल को लेके इस गुफा के अंदर छुप के बैठे। जिसमें तो जी कह उठता है कि दोस्त तुम्हें शायद ये समझ नहीं आ रहा है लेकिन ये लोग इन मून क्रिस्टल को लेके छुप नहीं रहे हैं, ये लोग इन मून क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए ग्रेट टियान कॉन्टिनेंट में जाने का तैयारी कर रहे हैं। हाँ ये तक था। इसी के साथ ये ड्रैगन मास्टर का जो लास्ट वाला एपिसोड था वो भी खत्म हो चुका है, अभी जब आएगा तब भी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ यहाँ पे नया नया देखना है तो जाओ ना नीचे जाके उसके बारे में कॉमेंट करो क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे नया ले आने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग तो नीचे जाके एक ही बात कह रहे हो कि भैया ये तो दूसरे चैनल में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है तो मैं क्या करूँ, जाओ ना नीचे में जाकर कॉमेंट कर दो।